नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने नेक्स्ट ट्रेडिंग डे और नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब 19th और नेक्स्ट वीक से मतलब 19 से 23 तक मार्केट कैसा जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँगा और डेली वीकली मंथली व्यू दिखाऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी का, और कुछ स्टॉक्स का भी दिखाऊंगा जो आप लोग इंट्राडे में भी कर सकता है और ट्रेड कर सकता है और स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकता है। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बीच बीच में देखा था हूं और निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीक के अंदर भी देखा हूं, भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल पे, इसके अलावा मैंने स्ट्रेटजी वाला वीडियो सीखने के लिए वीडियो मैंने दे देता हूँ, तो उसका वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का स्ट्रैटेजी है, सेटअप्स है, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिए, उसमें आप लोगों को वो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा जो, और जो कुछ भी नहीं दिया हुआ है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो आप लोग जरूर देखिए और मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड कीजिए, इसमें आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा है, ठीक है। इसमें जो कुछ भी ज़रूरत होता है इंडिपेंडेंटली ट्रेड करने के लिए, इसके इंडिपेंडेंटली ट्रेड करने के लिए जो ज़रूरत होता है उसको मैंने मानो डिटेल्स में सिखाता हूँ, ठीक है, हर एक चीज़ को। तो इसीलिए आप लोगों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर आप लोग जरूर अटेंड कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एंजल बुकिंग, आस्था ट्रेड, एलिस ब्लू, अपस्टॉक्स का लिंक मिल जाएगा, उसमें भी आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा है और मेरी तरफ से भी आप लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए निफ्टी लास्ट, मैंने निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन किया हूँ, ठीक है, ये निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट है, ठीक है, आप लोग देख सकता है। इस निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन किया हूँ तो इसमें मैंने देखिए इधर से सप्लाई डिमांड जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। इधर से जो सप्लाई जोन है और ये जो लास्ट दिन का जो कैंडल बना था तो ये एक बियरिश कैंडल बना था, ओपन लिया था, हाई नया हाई बना था, न्यू हाई बनाया था, लेकिन अपसाइड में सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे ये आके क्लोजिंग दिया है, बियरिश होकर क्लोजिंग दिया है, लेकिन इसका मोमेंटम और ऐसा ही अपसाइड में है, ठीक है, इसका स्ट्रॉन्ग अपसाइड में अभी तक है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है, ये एक थोड़ा सा हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न, हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न ये बना है, ठीक है। तो ये अपसाइड में इसका एक बियरिश कैंडल जो हैमर जैसा कैंडल, इसको हैंगिंग मैन ही बोलता है, तो ये हैंगिंग मैन कैंडल इसका बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन का नज़र आता है, ठीक है, करेक्शन का पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। अच्छा, इधर से देखिए सप्लाई जोन जो है, इसका जो डिमांड जोन है नीचे 15916 से 15868 तक, इसका नीचे 15771 से 15780। अच्छा, इसका नीचे 15625 से 15530, तो ये सब पीछे का लेवल्स होगा, ठीक है। तो इधर से और इधर से 15431 से 15397, तो ये सब सप्लाई जोन है और जो सपोर्ट सप्लाई डिमांड जोन्स है और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस इधर से देख रहा है 15910 में इसका फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, 15910 से फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, इसका नीचे 15879, इसका नीचे 15879, इसका नीचे 15853, ठीक है, 15853, इसका नीचे 15827, इसका नीचे 15791, ठीक है, 15791, इसका नीचे का जो लेवल रहेगा ये है 15735, ठीक है, 15735, 15664, 15597, 15499, ये सब नीचे का लेवल्स होगा, ठीक है। और अपसाइड में इसका जो लेवल रहेगा 15937, ठीक है, 15937, और इसका ऊपर 15958, 15960, 15640, 16,640, 16,190, 16,126, 15172, 15300,
16385 ये सब नीचे अपसाइड का लेवल्स होगा, ठीक है। अच्छा, वीकली चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट में देखिए, इसका एक बुलिश कैंडल ही बना है, ठीक है। ये जो अगला जो दो वीक का जो है, ये बुलिश कैंडल चल रहा है, ठीक है। बुलिश रंग इसका चल रहा है, और मंथली चार्ट का मंथली भी इसका बुलिश रहता है, ठीक है। तो इसका मेन ट्रेंड इसका बुलिश रहेगा, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन इसका मिलने का, मतलब करेक्शन आने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा दिख रहा है। अच्छा, मैं और भी बहुत सारा चीज़ एनालिसिस करूँगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को बहुत सारा चीज़ देखने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा। डेली, वीकली, मंथली रेंज और बाइंग सेलिंग लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत कुछ मिलेगा। तो ये आप लोग ऑप्शन चेन भी एनालिसिस करूँगा, और आप लोग को दिखाऊँगा कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और स्क्रीनिंग कर सकता है, वो भी आप लोगों को दिखा दूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी का देखता हूँ। बैंक निफ्टी का देखिए, इधर बियरिश कैंडल बना है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा बियरिश साइन दिख रहा है, करेक्शन का साइन दिख रहा है, ठीक है। करेक्शन का साइन मतलब ये हायर साइड से ये मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन होकर फिर से ये नया बाइंग रहेगा, तो ये फिर से अपसाइड जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका जो सप्लाई जोन है, ठीक है, इसका जो सप्लाई जोन है, इसका 35,860, 35,36,97, 35,263, 35,34, 35,34 ये सब नीचे का सप्लाई जोन है। और इसमें से 34,000 से 33,561 ये सब नीचे का लेवल्स होगा, ठीक है। और इधर से जो रेजिस्टेंस है, हाँ सॉरी, इधर से जो सपोर्ट है वो है 35,750, 35,550, 35,460, 35,260, 35,399, 34,959, 34,999, 34,351, 34,351, 34,359, ठीक है। 34,168, 33,908, 33,991, 33,991 ये सब नीचे का लेवल्स होगा, ठीक है। और इधर से नीचे 33,050 ये सब नीचे का लेवल्स होगा। अपसाइड में जो है 35,938, 34,228, 34,296, 34,371, 34,378, 34,478, 34,479, 34,879, तो ये सब अपसाइड का लेवल्स होगा, ठीक है। और इधर से देखिए, वीकली चार्ट देखता हूँ। वीकली चार्ट देखिए, ये अपसाइड में जा रहा है, ठीक है। ये बुलिश कैंडल बना है। मंथली चार्ट में देखता है, मंथली चार्ट में ये एमबी है, बुलिश है, और हायर लो बना रहा है, ठीक है। तो मोमेंटम स्ट्रांगली अपसाइड है, बुलिश है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने ऑप्शन चेन को देखता हूँ। ऑप्शन चेन में निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है 0.1 के ऊपर है, 1.02 ऐसा है, ठीक है। 16,000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, 16,000 में कॉल साइड में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना है। इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी कॉल साइड में दिख रहा है, और इधर से 16,000 में इधर से पुट ज़्यादा सेलिंग नहीं हो रहा है, लेकिन कॉल सेलिंग हो रहा है। तो और इधर से जो ओपन इंटरेस्ट है 53,000 का, और इधर से जो सपोर्ट दिखेगा, इधर से देखिए 15,900 में इसका सपोर्ट है, 45,000, ठीक है। और तो सपोर्ट वीक है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो मार्केट में थोड़ा सा एक नेगेटिविटी दिख सकता है, ठीक है। और इधर से 15,950 में कॉल सेलिंग हो रहा है और पुट सेलिंग कम हो रहा है, ठीक है। कॉल सेलिंग ज़्यादा दिख रहा है 15,900 पे, लेकिन कॉल पुट थोड़ा सा ही ज़्यादा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से पता चलता है। और 15,000 इधर से कॉल सेलिंग हो रहा है, ठीक है। और इधर 11,000 चेंज हुआ है, इधर 13,000 का चेंज दिख रहा है। तो 15,900 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, 16,000 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, और 15,000 इसके बाद 15,900 और 15,950 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, और 15,850 से 15,800 ये चारों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, 15,950, 15,900, 15,850 और 15,800। इसके अंदर 15,950 से 15,800 तक मार्केट घूमने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, मतलब ये रेंज में रहने का प्रोबेबिलिटी मार्केट का ज़्यादा बनेगा, ठीक है।
है इससे, इसका बैंक निफ्टी को देखता है, बैंक निफ्टी का जो दिखता है इधर, इसका पीसीआर रेशियो 7.0 है, 36,000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, और इधर कॉल सेलिंग दिख रहा है, और इधर से 35,500 में इसका सपोर्ट बना है, ठीक है, 35,500 में इसका सपोर्ट बना है, तो ये आप लोग देख सकता है, ठीक है। अच्छा, और इधर से एक मिनट आप लोग को इसका प्रोबेबिलिटी भी आप लोग को दिखा देता हूँ कि मार्केट कहाँ पर जा सकता है, तो उसके लिए आप लोग को दिखाता हूँ, उसको भी आप लोग को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, और भी बहुत सारा चीज़ दिखाऊँगा, तो आप लोग बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए तो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, इधर से देखिए इसका जो करेंट मार्केट प्राइस जो है निफ्टी का करेंट मार्केट प्राइस जो है इधर बैठा था 15,923, ठीक है, 15,923 करेंट मार्केट प्राइस है। अच्छा, और कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देख लेता हूँ, निफ्टी का जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है कॉल साइड का 8.25, ठीक है, 8.25 इसका रहता है, 8.25, ठीक है, और इधर से इसका पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है 10.29 इसका दिखेगा, 10.29, ठीक है। इधर से 5 दिन का एक्सपायरी है, ठीक है, और इधर से 16,000 इसका रेजिस्टेंस है, 16,000 इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इधर से इसका 9,800 इसका सपोर्ट है, ठीक है। तो इधर से देखिए प्रोबेबिलिटी मार्केट में ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, इधर से मैंने थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 15,900 करता हूँ, 15,900 करता हूँ, सॉरी 15,950 करता हूँ, 15,950 करता हूँ, और इधर से 15,850 करता हूँ, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी देखिए, ये हायर साइड मतलब मार्केट थोड़ा सा हायर साइड में जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, इधर से प्रोबेबिलिटी नीचे का प्रोबेबिलिटी, सॉरी हायर साइड में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, और लोअर साइड में प्रोबेबिलिटी कम दिख रहा है, ठीक है, तो मार्केट में थोड़ा सा अप साइड का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद FII DII एक्टिविटी देख लेते हैं, और इधर से इसका FII ने सेल किया है और DII ने बाई किया है, ठीक है, और एजेक्स ने वर्ल्ड मार्केट को एक बार देख लेते हैं, वर्ल्ड मार्केट इधर से ये एसजेक्स निफ्टी थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है, एसजेक्स निफ्टी का 92 पॉइंट करेक्शन दिख रहा है, ठीक है, करेक्शन दिख रहा है। अच्छा, डो जोन्स का भी 308 पॉइंट का करेक्शन हुआ है, ठीक है, तो देखता है मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, और इधर से लेकिन 5 दिन का एक्सपायरी बता रहा हूँ, तो इसीलिए मैं एक्सपायरी का तो ये थोड़ा सा लास्टली अपसाइड में जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन होकर फिर से अपसाइड में जा सकता है, ठीक है। तो इधर से ये नैसडक भी नेगेटिव दिख रहा है, एस एंड पी भी नेगेटिव दिख रहा है, और डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव दिख रहा है। वर्ल्ड मार्केट को पूरा देखते हैं, वर्ल्ड मार्केट का ये देखिए कमोडिटी थोड़ा सा नेगेटिव है, तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, बाकी सब इधर से वर्ल्ड मार्केट में एक नेगेटिविटी दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, आपके लेकिन प्रोबेबिलिटी और चार्ट में जो दिख रहा है, चार्ट में थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है, और ऑप्शन चेन में भी थोड़ा सा करेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, लेकिन इधर से थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी इधर से 5 दिन का एक्सपायरी का डेट का हिसाब से थोड़ा सा अपसाइड दिख रहा है। अच्छा, अभी जो दिखाऊंगा वो है आप लोग को डेली निफ्टी का डेली वीकली मंथली व्यू दिखाता हूँ। देखिए इधर से ये अपसाइड का है, ठीक है, ये डेली का है, ये अपसाइड का लेवल्स है, ये और भी अपसाइड है, इतना देखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, और इधर से ये डाउन साइड है, ठीक है, ये डाउन साइड का लेवल्स है डेली का बेसिस पे ये डाउन साइड है। बैंक निफ्टी का भी सेम है, ये अपसाइड का लेवल्स है,
डेली का, डेली का और ये डेली बेसिस पे, और ये डाउन सेट का लेवल से है, ठीक है, ये डाउन सेट का लेवल से है। अच्छा वीकली, इसके बाद ये है वीकली, ठीक है, ये है वीकली, ये अपसेट का लेवल से है ऑलरेडी, ये इसका ऊपर है तो इस नेक्स्ट लेवल इसको कंसिडर करना पड़ेगा। ये अपसेट का लेवल से है और डाउन साइड में वीकली व्यू ऐसा आ सकता है, ठीक है। अच्छा और निफ्टी, बैंक निफ्टी का ये दिखता है, ये डाउन अपसेट का लेवल है, ये डाउन सेट का लेवल है, ठीक है। और मंथली जो है, ये मंथली इसका अपसेट का लेवल है, ये निफ्टी का, ठीक है, मंथली इसका अपसेट का लेवल है और ये डाउन सेट का लेवल है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का भी ये अपसेट का लेवल है और ये डाउन सेट का लेवल है, ठीक है। अच्छा और जो चीज़ दिखाऊंगा वो है डेली रेंज का दिखाता हूँ। देखिए इधर से निफ्टी इंडेक्स का हिसाब, सॉरी इंडिया विक्स का हिसाब से, इंडिया विक्स का हिसाब से निफ्टी देखिए 35,15,923 और इधर से 35,000 बैंक निफ्टी और इंडिया विक्स कितना चल रहा है, ठीक है। तो उसका हिसाब से एनुअल रेंज अपर लोअर क्या हो सकता है, इसके बाद मंथली रेंज क्या हो सकता है, उसके बाद वीकली रेंज क्या हो सकता है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, और डेली रेंज क्या हो सकता है, ठीक है। और डेली रेंज का हिसाब से, डेली रेंज का हिसाब से बाइंग सेलिंग लेवल्स फिबोनाची का आप लोग कैलकुलेट करो, इसको आप लोग नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकता है। ये निफ्टी का है और ये बैंक निफ्टी का है, ठीक है, ये सब बाई साइड का है, ठीक है, ये सब बाई साइड का दिखेगा और ये सब नीचे का लेवल्स ये सब दिखेगा, ठीक है, ये सब नीचे का लेवल्स दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया है इसका, और इधर से इसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाया। अच्छा देखिए इधर से आप लोग मेरा जो वेबसाइट है stocktradingadvisor.wordpress.com, इधर से जो आप लोग को कैलकुलेटर मिल जाएगा, आप लोग फिबोनाची का लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, ठीक है। इसका ये लिंक आप लोग को मेरा ये वेबसाइट का एड्रेस आप लोग को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गान का भी मिलेगा, गान का कैलकुलेशन भी मिलेगा, ठीक है, इसका भी आप लोग देख सकते हैं। और इधर से गान का भी मिल जाएगा। अच्छा और इधर से ये अपसाइड का लेवल है, ठीक है, तो ये हो गया है। अच्छा ये आप लोग देख सकते हैं। और इधर से मैंने कुछ स्क्रीनिंग करके दिखाता हूँ आप लोग। इधर से देखिए, इधर से आप लोग जब टाइप करेंगे स्विंग ट्रेडिंग बाई, स्विंग ट्रेडिंग सेल, ठीक है, बाई सेल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चार्टिंग के आप लोग गूगल में सर्च करें, जब ये टाइप करेंगे तो आप लोगों को ये भी मिल सकता है, ठीक है। ये सब आप लोगों को स्क्रीनिंग करके दिखाऊंगा, तो उसके बाद उसका हिसाब से आप लोगों को बाइंग कुछ स्टॉक्स का बाइंग सेलिंग लेवल दिखाऊंगा। तो स्विंग ट्रेडिंग बाई पहले दिखाता हूँ, ठीक है, तो इसका देखिए बाइंग का जो दिखाऊंगा उसका देखते हैं, आने दीजिए थोड़ा सा। इसके हिसाब से आप लोगों को लेवल्स दिखाऊंगा। थोड़ा सा स्कैनिंग करने से देर हो रहा है, मैं थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। जैसे देखिए ये स्विंग ट्रेडिंग बाई का जो है, ठीक है, तो इस आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इधर से आप लोग देखिए, इधर से मैंने सोच लीजिए डीवी स्लैब का देखता हूँ, ठीक है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स मोटो मैकडोल डॉट इन का इसका देखूँगा, ठीक है। तो इधर से आप लोग चार्ट भी चेक कर ले सकते हैं, देखिए इधर से चार्ट भी चेक कर ले सकते हैं। और इधर से देखिए ये यूनाइटेड स्पिरिट का दिखाता हूँ, इधर से देखिए, इधर से ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। तो ये दोनों का मैंने डीवी स्लैब और मैकडोल का मैंने इधर से बाइंग सेलिंग लेवल्स दिखा देता हूँ, ठीक है। डीवी स्लैब ये है, ठीक है, डीवी स्लैब है। तो इसका जो डेली का जो बाइंग सेलिंग लेवल्स है इधर से दिखाता हूँ, ठीक है, जो डेली रेंज है उसका हिसाब से इसका
बैलेंस सेलिंग लेवल्स दिखाता हूँ। इधर से देखिए, ये इसके ऊपर आप लोग बाई कर सकता है, ठीक है, इसके ऊपर आप लोग बाई कर सकता है। इसको आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ भी, इसका स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ भी आप लोग यूज़ कर सकता है। ये सब अपसाइड का लेवल्स होगा और ये सब इसका डाउन साइड का लेवल्स होगा, ठीक है, ये सब इसका डाउन साइड का लेवल्स होगा, ठीक है। तो ये इंटरडे पर्पज़ जो डाउन साइड का, ये इंटरडे पर्पज़, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग आप लोग बाई कर सकता है। अच्छा, डीवी स्लैप हो गया है और मैकडोल का दिखता है, देखिए मैकडोल का इसका जो बाई लेवल दिख रहा है, ठीक है, मैकडोल का इसका ये जो बाई का लेवल है, ठीक है, ये मैकडोल का इसका बाइंग का लेवल है, ठीक है, ये सब अपसाइड का लेवल है, ठीक है, और इधर से ये डाउनसाइड का लेवल है, ठीक है, इधर से देखिए, हाँ, ये डाउनसाइड का लेवल है, ठीक है। इसको आप लोग इस लेवल का नीचे इंटरडे में आप लोग सेल कर सकता है, लेकिन आप लोग को इसका मेनली बाई साइड ही मिलेगा, सेल साइड में मिलने का चांस कम रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने कुछ सेलिंग का स्क्रीन दिखाऊंगा, ठीक है, मार्केट किसी भी जगह जा सकता है, लेकिन सेलिंग लेवल आना तो इस स्टॉक्स का थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अच्छा, और स्विंग ट्रेडिंग सेल का भी मैंने देखा था, इसका रन हो रहा है स्कैन, इसको भी आप लोग चूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मतलब पैरामीटर थोड़ा सा कॉम देख के दिया है, तो बाजाज ऑटो और जील का मैंने दिखाता हूँ, ठीक है, इसका आप लोग इधर से चार्ट भी चेक कर सकता है। देखिए बाजाज ऑटो का ये चार्ट है, ठीक है, और इधर से जील का दिखाता हूँ ये इधर है, ठीक है, तो इधर से बाजाज ऑटो और जील का मैंने दिखाता हूँ लेवल्स, बैंक सेलिंग दोनों लेवल्स ही दिखाऊँगा, लेकिन इसको आप ये दोनों को आप लोग सेल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो बजाज ऑटो को देखते हैं, बजाज ऑटो ये सब अपसाइड का लेवल्स है बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो का ये बाइंग साइड का लेवल्स है, हाँ, तो इधर से बाइंग का लेवल होगा और सेलिंग का जो लेवल है, हाँ, सेलिंग का, और ये सेलिंग का लेवल है, ठीक है, इधर से आप लोग सेल कर सकते हैं इसको, तो आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, लेकिन ये दो तीन दिन के लिए आप लोग सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, बाजाज ऑटो हो गया है, और क्या जील को दिखाऊंगा, तो जील को दिखा देता है, जील ये अपसाइड का लेवल है, और ये है इसका डाउन साइड का लेवल्स, ठीक है, ये है इसका डाउन साइड का लेवल्स। तो वीडियो यही खत्म, होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।